अच्छा एक सुपर पावर दिया जाए आपको तो क्या करोगे? मोदी जी का भैया पर्सनालिटी देखकर लगता है काफी कि बहुत ही एजुकेटेड और मतलब इंस्पायरिंग उनका अच्छा, लगता है जर्नी। अच्छा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इंडिया आ रहा, कैसा रिएक्शन रहा था? क्रिकेट में सबसे फेवरेट पर्सनालिटी विवी स्वान के साथ हम एक रैपिड फायर क्वेश्चन खेलने वाले हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 80 लाई है जो एडवांस में और बिहार के टॉपर है। सो विवी स्वान आर यू रेडी? ओके व्हाट्स योर फेवरेट फूड? मतलब भैया इसमें जल्दी जल्दी आंसर करना है। हाँ जल्दी जल्दी टाइम मुझे बताओ व्हाट्स योर फेवरेट फूड? आलू पराठा। आलू पराठा मतलब यानी कि रिजल्ट आने के बाद खाया आलू पराठा कि नहीं? और पहले भी खाते रहते। ओके योर फेवरेट एक्टर? सलमान खान। ओके क्या 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 खास बात लगती है उसका? इंटिमिडेशन और पर्सनालिटी। अच्छा ओके कौन सा ऐसा पर्सनालिटी है ऑल ओवर ग्लोब जो बहुत ज्यादा फैसिनेट करता है आपको? सर तो कुछ पर्टिकुलर नहीं है लेकिन मोदी जी का भैया पर्सनालिटी देखकर लगता है काफी कि बहुत ही एजुकेटेड और मतलब इंस्पायरिंग उनका अच्छा, लगता है जर्नी। अच्छा कोई एक खास बात उनका? खास बात भैया वो मोटिवेशन बहुत अच्छा, अच्छा करते हैं। अच्छा परीक्षा का चर्चा वगैरह लगता है आप देखते होंगे उसका? हाँ कभी कभार देखा है। कभी कभी देखते हैं। अच्छा कौन सा सीजन आपका फेवरेट है? समर रेनिंग विंटर? समर ही विंटर में तो हम हाइबरनेशन में चले जाते काफी समय तब सोने में निकल जाता है। अच्छा समर बेस्ट मतलब फेवर नहीं करता आपको विंटर में। फेवरेट फ्रूट? मैंगो। मैंगो तो अभी मैंगो का सीजन भी बहुत सारा खाया होगी। ठीक है एनसीईआरटी और अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स इस जर्नी में? एनसीईआरटी के अलावा फिजिक्स के लिए अच्छी वर्मा एरोडो और केमिस्ट्री के लिए तीन बुक तो बहुत कॉमन है यूनिवर्सिटी एम एस चौहान और वी के जसवाल। मैथ्स के लिए बहुत सारे मतलब अलग अलग टॉपिक के लिए अलग बुक्स थे कुछ ओलम्पियाड टाइप की बुक्स थे और कुछ कॉमन मार्केट में चलते जैसे अरिहंत या अच्छा और कुछ क्लासिक बुक्स एस एल ओनी ऑल इन नाइट। अच्छा एक सुपर पावर दिया जाए आपको तो क्या करोगे? कुछ भी सुपर पावर हो सकता है। बीडब्ल्यू से पढ़कर हजारों बच्चे इंजीनियर बनने का सपना अपना पूरा कर रहे हैं। हजारों की संख्या में बच्चे आईआईटी एनआईटी जैसे प्रोमिनेंट कॉलेज में एडमिशन पा रहे हैं। सो पीडब्ल्यू 11, 12th एंड ड्रॉपर्स के लिए जेई डेडिकेटेड बैच लिख रहा है। 11th क्लास के लिए अर्जुना 2.0 स्पेशल बैच, 12th क्लास के लिए है लक्ष्य 2.0 स्पेशल बैच और ड्रॉपर्स के लिए प्रयास 2.0 स्पेशल बैच। वहीं अगर हम प्राइसिंग की बात कर ले तो 11th अर्जुना 2.0 बैच की प्राइसिंग है 4200 रुपीस, 12th क्लास लक्ष्य 2.0 बैच की प्राइसिंग है 4200 रुपीस। वहीं हम प्रयास 2.0 ड्रॉपर्स बैच की बात कर ले जो कि इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जेईई स्पेशल बैच है उसकी प्राइसिंग है 4400 रुपीस फॉर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए यही बैच आपको 2700 रुपीस में मिल रही है। इन सारे बैचेस में आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे और वो सारे चीज मिलेगी जो एक जेईई पेरेंट्स को जरूरी होता है। एंड यूज माई कोड PTN150 फॉर अ डिस्काउंट ऑफ ₹150। सो वेट किस बात का करना चाहिए? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां से बैच को अवेल कराइए और अपने प्रिपरेशन जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। सुपर पावर भैया मेरा तो मन करता है मतलब फ्लाइंग मतलब आसमान में उड़ने वाला व्यू काफी अच्छा लगता है। बढ़िया है भैया गर्मी से कुछ देर बचेंगे हवा लगेगी मतलब आकाश में उड़ोगे बंक टाइप मुझे विंग्स मिले जेट पैक भी हो सकता है। अच्छा जेट पैक तो जेट पैक तो फिजिबल है लेकिन विंग थोड़ा सा आइडियलिस्टिक। हाँ आइडियलिस्टिक हो जाएगा। ओके कौन सा बुक ज्यादा बेटर है नॉवेल और कॉमिक मतलब आप कौन सा प्रेफर करते हैं? नॉवेल ही प्रेफर करते हैं क्योंकि मतलब मेरी कहानी पढ़ी कॉमिक तो जोक टाइप है। अच्छा अच्छा फिल्म इंडस्ट्री में बिहार का फिल्म इंडस्ट्री भोजपुरी या फिर बॉलीवुड? भोजपुरी मतलब या मिसलीडिंग टाइप का है इसलिए बॉलीवुड ही। अच्छा बॉलीवुड और बॉलीवुड और हॉलीवुड में? हॉलीवुड बेटर है क्योंकि ग्राफिक और एक्शन ज़्यादा अच्छा है। अच्छा इंडियन मूवी में सबसे इंस्पायरिंग मूवी कौन सी लगी? दंगल। दंगल और ऑल मूवीज ग्लोब पूरे ग्लोब में मूवी में सबसे बेस्ट कौन लगा? सबसे बेस्ट तो मैं कुछ खास मूवी देखे नहीं लेकिन एक वो मूवी है किंग रिचर्ड। अच्छा कल ही मेरे पापा दिखा रहे थे उसमें सेरेना विलियम्स के बारे में टेनिस चैंपियन है। अच्छा। उनकी जर्नी कैसे है बहुत गरीब घर से वो लोग आए और ट्रेनिंग करके ब्लैक कम्युनिटी से निकलना उस समय भी है बड़ी बात। फेवरेट स्पोर्ट्स? क्रिकेट। क्रिकेट अच्छा और क्रिकेट में सबसे फेवरेट पर्सनालिटी?
एम एस धोनी क्या कूलनेस लगता है या फिर कुछ और रीजन है? इनका सबसे बड़ा एक है हमेशा काम रहते हैं, जीत भी गए कितना भी बड़ा टूर्नामेंट, कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है और प्लानिंग काफ़ी उनकी बेस्ट है। सुनील छेत्री के लिए क्या होगा? सुनील छेत्री इंडियन फुटबॉल टीम के स्कीपर। चलिए तो अच्छा नहीं जानते नहीं सुना हुआ नाम है अचानक से कभी देखा नहीं भी आपको खेलते हुए। अच्छा 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 फुटबॉल में उतना इंटरेस्ट नहीं है, बोर हो जाते हैं फुटबॉल देखकर। अच्छा फुटबॉल तो 90 मिनट्स का है, क्रिकेट तो काफी लंबा चलता है। तो यार क्रिकेट में इवेंट होते रहता है, हर कोई इन्वॉल्व होता रहता है, फुटबॉल में आधे लोग दौड़ रहे हैं आधे लोग देख रहे हैं। अच्छा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इंडिया आ रहा, कैसा रिएक्शन रहा था? इंडिया मतलब यार थोड़ा गुस्सा आ रहा है कि ये लोग काउंटी क्रिकेट आजकल ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा वर्ल्ड लेवल पे जहाँ इम्पोर्टेंट मैच है वहाँ परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है। ओके हम जैसे क्रिएटर के लिए लास्ट क्या बोलना चाहोगे? अच्छा भैया काफ़ी मोटिवेटिंग है यार, नया एक्सपीरियंस होता है आप लोग से बात करना। दिस इज द रैपिड फायर क्वेश्चन जहाँ पे अपार्ट फ्रॉम द बेसिक थिंग्स जहाँ पे हम लोग नॉर्मल इंटरव्यू करते हैं वो चीज़ हमने पूछा, काफ़ी अच्छा लगा एंड मुझे भी लगता है कि आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं। इस तरह के अपडेट्स के लिए हमें बने रहिए और देखते रहिए पटना लाइट एंड मेक श्योर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।